सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमोना या ग्रीन पीस निमोना कहते हैं इसे, बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हरे मटर का निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरे मटर का दाना लिया है 1 कप। आप फ्रोजन या फ्रेश कोई भी ले सकते हैं। 1 बड़े साइज आलू या फिर 2 मीडियम साइज के आलू को छीलकर इस तरह से काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। और 2 टमाटर का प्यूरी बना कर ले लिया है। 1 बड़े साइज के अनियन को मैंने दरदर से पीस लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने पेस्ट बना कर लिया है 1 टीस्पून। ये मैंने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम ले लेंगे धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। जीरा 1 टीस्पून ले लेंगे। थोड़ी सी हींग लेंगे हम और रेड चिल्ली पाउडर हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है तो हिसाब से ले ले, कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे। अभी हम ये हरे मटर का दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। थोड़े से हरे मटर को मैंने बचा लिया है दाना और बाकी का जो है हम इसे पीस लेंगे। आप फ्रूट प्रोसेसर से इसे बारीक काट कर ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसे दरदरी से एकदम पीसा है, आप देख सकते हैं इसी तरह से पीसनी है। अभी हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेंगे 2 चम्मच। इसमें सरसों का तेल बहुत ही अच्छे लगते हैं। 2 टेबलस्पून सरसों का तेल में हम ये आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू को हमें अच्छे गोल्डन कलर के होने तक फ्राई करनी है। फ्लेम को आप मीडियम रखें, बीच में इसमें चला दें इसे। फ्रेंड्स, देखिए आलू गोल्डन कलर की हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। एक प्लेट में इसे निकाल लिया है मैंने, देखिए। और बचे हुए तेल में से मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा तेल निकाल लें। और इसमें जीरा डाल दें, जीरा जैसे ही क्रैकल होने लगे इसमें हींग डाल दें। अभी फ्लेम को आप स्लो रखें ताकि हींग जल ना जाए। अब हम इसमें ये अनियन का पेस्ट डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा ही पेस्ट बनाया है, आप भी इसी तरह से करें। और इसे भून लेते हैं। फिर हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अभी टमाटर का प्यूरी भी डाल देते हैं और अच्छे से सारे मसाले को मिला लेंगे हम। और अब हम इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। हम इसे ढक रहे हैं 2 मिनट बाद देखिए इसमें से तेल अलग होने लगी है मसालों में से और ये टमाटर का कच्चापन भी चला गया है। अभी हम ये पिसे हुए मटर और बचा हुआ दाना वाला मटर दोनों ही डाल देंगे हम इसमें और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमने इसे मिला लिया है। अब इसे ढक करके हमें 3 मिनट तक कुक करनी है। फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट ये मटर को मसालों के साथ कुक कर लेने के बाद आप इसे चेक करें एक बार। मटर को दबा करके मटर सॉफ्ट हो गई, तो अब हम इसमें गरम मसाला और सॉल्ट डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इसे पकाते समय बीच में एक बार ढक्कन हटाकर आप चला सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कंसिस्टेंसी लेवल करने के लिए आपको अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी और पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें आलू हम डाल देंगे फ्राई किए हुए। फ्रेंड्स, ये सब्जी को मैंने सरसों के तेल के साथ बनाया है। सरसों के तेल के साथ ये मटर का निमोना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप अगर सरसों का तेल पसंद नहीं करते तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 4 से 5 मिनट कुक करेंगे ताकि आलू, मसाले और सॉल्ट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद हमारा सब्जी बनकर के तैयार है। आप कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह की होगी और ये सब्जी बन गई है, तैयार हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालकर मिला लेते हैं। हरा धनिया डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला दें और फ्लेम को ऑफ करेंगे अभी। और इसे सर्विंग बाउल में निकाल करके गर्मा गर्म रोटी, परोठा, नान किसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं।
ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होते हैं। हमारा मटर का निमोना बन करके तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप मटर पनीर बनाए होंगे, मटर आलू बनाए होंगे, लेकिन ये कुछ अलग सी सब्जी है। आपको अगर कुछ अलग खाने का मन करे तभी इसे ट्राई करें, और ये डिफरेंट सी सब्जी को ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और ये रेसिपी को आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।